Ready? Start. महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न है राहत कार्य को संगठित करने का. इस संकट का सामना करने के लिए हम धन और सामग्री के रूप में सभी तरह के साधन जुटाते रहे हैं और जुटा रहे हैं. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में राहत कार्यों में 48 लाख लोग लगे हैं. ये कार्य जिस पैमाने पर किए जा रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था. कठिनाइयां वास्तव में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन यह मौका पहला है कि सरकार को सहायता का इतना बड़ा काम हाथ में लेना पड़ा है. लगभग 90,000 विभिन्न राहत कार्य चलाए जा रहे हैं. सबसे ज़्यादा कठिनाई जल आपूर्ति के अभाव की है, जिसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं. कुएं खोदने, रिक्स के उत्पादन और पानी को जगह जगह पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के वास्ते ऋणों के अनुदान के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं. पशुओं से संबंधित मुश्किलें भी हैं. सहायता शिविर खोले गए हैं. वनों से चारा जगह 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 पहुंचाने के लिए सरकारी सहायता या कर्जे की व्यवस्था की गई है. हम चारे की नई किस्मों की खोज का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे गन्ने का ऊपरी हिस्सा. ऐसा ही अन्य चीज़ों भी हो सकती है. 4,45,00,000,000,000 रुपए की राशि इन कार्यों के लिए दी गई है. मुझे खेद है कि कभी कभी यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य के साथ पक्षपात दिखाते हैं. हमें सभी हिस्सों की कठिनाइयों पर चिंता है, चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों न हो. और हम सच्चाई से यह कोशिश करते हैं कि उपलब्ध साधनों के आधार पर सभी को समान रूप से सहायता मिले. पैरा, एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ हमेशा ही सूखा पड़ता रहता है. मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर और अति सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित हैं. इस साल का सूखा कोई सामान्य सूखा नहीं है, यह बहुत असाधारण सूखा है. इससे कितने देश प्रभावित हुए हैं, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जो देश आम तौर पर अनाज का आयात नहीं किया करते थे, उन्होंने भी इस वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया है. वस्तुतः इस तथ्य की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था ने ध्यान दिया है, और वह विश्वव्यापी आधार पर साधन तथा धन जुटा रही है, जिससे सूखाग्रस्त देशों की सहायता की जा सके. उसने हमसे भी इसके लिए संपर्क किया है. हमें इस कठिन वर्ष में भी मामूली आयात ही करना पड़ा है, क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और अनाज का सुरक्षित भंडार बनाया है. मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूँ जो सोचते हैं कि आयात एक लज्जाजनक उपाय है.
पैरा। महोदय, हम अवश्य ही आत्मनिर्भर होना चाहेंगे, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा और जिससे इतने ज़्यादा लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा हो, तो अगर हम आयात द्वारा उनकी सहायता कर सकते हो तो इसे गलत काम नहीं समझना चाहिए। फिर भी हमने मामूली आयात से ही काम चलाया है। देश के कुछ भागों में लोगों के दारुण कष्ट पर कुछ माननीय सदस्यों ने जो व्यथा व्यक्त की है, मैं भी उनमें शरीक हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आम तौर पर अखबारों के हवाले से कुछ कहा करते हैं, और मैं यह भी नहीं मानती कि अखबारों में सब कुछ सही छपता है। लेकिन अगर कोई बात छापे में देखने को मिलती है तो माननीय सदस्य बहुत प्रभावित होते हैं। मुझे जिस अखबार का जिक्र यहाँ करना है, वह मुझे अभी कुछ देर पहले ही देखने को मिला है। इसमें एक विदेशी संवाददाता ने, जिसने त्रिपुरा को छोड़ सूखाग्रस्त सभी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मैसूर का दौरा किया है, जो कुछ लिखा है वह मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने देखा कि अधिकांश भारतीय कृषि क्षेत्र वर्षा की कमी का सामना करने के लिए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ हैं। हरित क्रांति असफल नहीं हुई है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पिछले साल गर्व के साथ कहा था कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, तो वह लगभग सही बात कह रही थी। जैसा कि मैंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। यहाँ इस साल हुआ यह कि मुख्य रूप से वर्षा सिंचित प्रदेशों में मोटे अनाज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। हमारी विकास गतिविधियों के कारण गेहूं की पैदावार वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती रही है। जिन इलाकों में अक्सर सूखा पड़ता है, उनके लिए अलग से उपाय करने की ज़रूरत है। जैसा कि सदन को मालूम है, एक विशेष दल इन दिनों ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दे रहा है, जो समग्र विकास के अंग के रूप में कार्यान्वित होगी। पैरा, हमारी चिंता का एक और विषय है खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि की समस्या। कृषि उत्पादन में हुई कमी की स्थिति का अनुचित फायदा उठाया गया है और प्रत्येक प्रयास को विफलता का सूचक बताते हुए शुरू से ही अभाव की मानसिकता को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण विभिन्न स्तरों पर जमाखोरी तथा सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पनपी है। सदन को मालूम है कि हम अगले सीजन से गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ उन तत्वों को निर्मूल करना है जो जमाखोरी और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। मैं जानती हूँ कि यह आज के ढांचे में किया जाने वाला एक बड़ा परिवर्तन है, जिसका निहित स्वार्थ वाले लोग विरोध करेंगे और उनकी ओर से
इसे विफल करने की सभी कोशिशें की जाएंगी। स्टॉप।